फ्लैशबैक दृश्य जब सलमान ने एक अनाथ को राजकुमारी बना दिया। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के कितने करीब हैं ये किसी से छुपा नहीं है। बहन अर्पिता की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए सलमान कोच्चि से मुंबई आए। सलमान खान ने 18 नवंबर 2014 को धूमधाम से बहन अर्पिता की शादी। बहन की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये बात सब जानते हैं कि अर्पिता सलमान की सगी बहन नहीं है। सलमान के पिता सलीम खान ने अर्पिता को गोद लिया है। कहा जाता है कि एक बार सलीम खान रास्ते से गुजर रहे थे, मुंबई के फुटपाथ पर अर्पिता की मां ने दम तोड़ दिया था। 3 साल की अर्पिता रोए जा रही थी, वहां खड़े लोग तमाशबीन बने हुए थे। तब सलीम खान ने अर्पिता को गोद उठा लिया था। सलीम खान ने फुटपाथ पर अनाथ मिली बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। अपने बच्चों से बढ़कर अर्पिता को प्यार दिया। तीनों भाई सलमान, अरबाज और सोहेल उसे अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। अर्पिता का पालन पोषण एक हिंदू की तरह हुआ, उसी की वजह से घर में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। अर्पिता घर में अपनी माँ सलमा खान और भाई सोहेल खान के सबसे ज्यादा करीब है। जब भी अर्पिता को किसी की सलाह की जरूरत पड़ती है तो अर्पिता अपने पिता सलीम खान और भाई सलमान के पास जाती हैं। अर्पिता ने लंदन से फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है और उसके बाद वो भारत इंटरनेशनल लेवल पर इस बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं। अर्पिता की शादी में खान परिवार ने दिल खोल कर खर्च किया। करोड़ों रुपए सलमान ने बहन की शादी में लगाए। अर्पिता को खान परिवार ही नहीं पूरा बॉलीवुड प्यार करता है। वो अर्पिता ही थी जिसकी शादी के बहाने शाहरुख और सलमान की दुश्मनी खत्म हुई थी। अर्पिता की शादी पर सलमान खान का नाम तक नहीं सुनने वाले ऐश्वर्या ने भी तोहफे भेजे थे। अर्पिता अब एक बेटे की मां बन चुकी है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। जरा सोचे क्या होता अगर उस दिन सलीम खान ने मां के मरने के बाद सड़क पर रो रही उस अनाथ बच्ची को गोद नहीं उठाया होता। खानदान ने इस मामले में एक मिसाल कायम की है।